राजकीय अम्बेडकर अस्पताल के ईएनटी विभाग द्वारा 50 वर्षीय महिला फूली देवी के स्वास्थ्य की नली में फंसी गोली के स्ट्रिप को सावधानी पूर्वक निकाल कर उसकी जान बचा ली। स्वास्थ्य की नली में अटकी गोली के कारण महिला को खाने पीने के साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इस दौरान महिला राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय पहुंची, जहां पर ईएनटी विशेषज्ञ गिरिराज त्रिवेदी ने महिला की जाँच कर उसे उपचार हेतु भर्ती कर लिया। इस दौरान ईएनटी विशेषज्ञ त्रिवेदी ने महिला को बिना चीरा लगाए दूरबीन से ऑपरेशन कर उसकी सांस की नली में फंसी दवा की स्ट्रिप निकालने में सफलता हासिल की है। मालूम हो कि शहर के मसूदा रोड निवासी 50 वर्षीय फूली देवी गत सप्ताह सिरदर्द होने के कारण दवा ले रही थी। उसके हाथ में दूसरी पैक गोली भी थी। गोली लेने के दौरान अचानक उसके हाथ से पैक गोली छिटक कर गले में चली गई और सांस नली में जाकर फंस गई। परिजनों ने बताया, सोचा कि गोली अपने आप निकल जाएगी, लेकिन फूली देवी को सांस लेने में परेशानी होने लगी और धीरे धीरे उसका खाना पीना भी दुश्वार हो गया, जिस कारण महिला के परिजनों ने राजकीय अम्बेडकर अस्पताल दिखाया, जहां ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज प्रसाद त्रिवेदी ने महिला की स्थिति देखते हुए तत्काल उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने करीब आधे घंटे तक चले ऑपरेशन में दूरबीन की सहायता से महिला के गले में फंसी पैक गोली को सावधानी पूर्वक निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पैक गोली की प्लास्टिक पैकिंग बहुत धारदार थी, जिससे सांस नली के कटने का खतरा था, लेकिन सावधानी पूर्वक किए गए ऑपरेशन से महिला की जान बच गई। ओपीडी में फूली देवी पेशेंट करके एक 50-year-old फीमेल आई थी, जो पिछले 8 दिन से उसको खाना खाने में और पानी पीने में दिक्कत हो रही थी। और जब हमने उसके गले का एक्सरे कराया लेटरल व्यू, तो उसमें हमको भोजन नली में कुछ फंसा हुआ पाया, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके मरीज को बेहोश करके जब देखा दूरबीन से, तो ईसोफेगस के मिड बिल्कुल बीच में टैबलेट फंसी हुई थी विथ रैपर, जो हमने निकाली और मरीज उसके बाद ठीक है। आज सुबह मरीज को पानी और दूध दिया है, वो आराम से आसानी से जा भी रहा है। इस प्रोसीजर में जिसको रिजिड ईसोफेगोस्कोपी कहते हैं, इमरजेंसी में की हमने,